हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सतीश का फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पर विष्णुदत्त बिश्नोई मामले में एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। यह खबर सबके संशय पैदा करने वाली है। दोस्तों, खबर को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी अपडेट्स आप मिस न कर पाएं। राजगढ़ के थानाधिकारी रहे विष्णुदत्त बिश्नोई संदिग्ध आत्महत्या प्रकरण की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में धीरे धीरे कई खुलासे होते जा रहे हैं और एक एक करके कई गंभीर बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि विष्णुदत्त बिश्नोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदेह के घेरे में है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर कहीं ना कहीं यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। पोस्टमार्टम विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या के बाद करीब 24 घंटे चले आंदोलन के बाद 24 मई को सुबह उनका पोस्टमार्टम किया गया था। उस दौरान पुलिस व प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष कहा था कि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है, जिसमें मेडिकल जूरिस्ट भी शामिल रहे हैं। हालांकि यह बात उच्चाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक तौर पर कही गई थी, इसलिए उस पर कोई आशंका नहीं रहती। मगर अब जो रिपोर्ट के बिंदु सामने आ रहे हैं, चारों तरफ से सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके प्रथम पेज पर एकमात्र चिकित्सक के नाम वह डॉक्टर श्रवण कुमार का है। उन्हीं के द्वारा यह पोस्टमार्टम तैयार किया गया था। हालांकि अंतिम पेज पर एक और डॉक्टर के भी हस्ताक्षर हैं, जो रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद भी करवाई जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि डॉक्टर श्रवण कुमार वही चिकित्सक हैं जो पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट बनाने के मामले में ना सिर्फ विवादित हैं बल्कि उनके इस प्रकार के ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं। इनके अलावा दूसरी बात यह थी कि संदिग्ध मौत के और जन आंदोलन की स्थिति के बाद करवाए गए पोस्टमार्टम में सिर्फ खानापूर्ति ही नज़र आ रही है। पोस्टमार्टम के दौरान किसी प्रकार का कोई सबूत एफएसएल को नहीं मिल पाया, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नो सैंपल सेंड टू एफएसएल बीकानेर। इस प्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला और गहराता जा रहा है, जहां एक तरफ विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत को संदिग्ध माना गया है और उनकी आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है और ना ही उनकी पूरी संभावना है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की ताज़ा खबरें पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।